कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ इस यात्रा में चलते हैं। भीड़ में धक्का लगता है, कोई गिरता है, सब लोग उसको उठाते हैं, मदद करते हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कौन सी भाषा बोलते हो, तुम्हारी जात क्या है, ये सवाल नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। यही हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, शांति का हिंदुस्तान, भाईचारे का हिंदुस्तान। और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इस पदयात्रा में हमसे लोग मिलकर हमें उनका दर्द बताते हैं। लंबे भाषण नहीं होते, 2-3 घंटे के भाषण नहीं होते, 7-8 घंटे चला जाता है, 15 मिनट भाषण होता है। मतलब पदयात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है, आपकी बात सुनने का है। लोकतंत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीडिया होती है, पार्लियामेंट होता है, ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए। जनता के साथ हजारों किलोमीटर चलने का रास्ता यही विपक्ष के पास आज बचा है। अगले 20-25 दिन आप मेरे साथ ऐसी कड़ी धूप में चलोगे, और जो कर्नाटक का दर्द है, जो कर्नाटक का दुख है, उसको आप सब सुनोगे। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके बारे में आप सबको सुनने को मिलेगा।